देखो, आई डोंट थिंक तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि ये वीडियो कितनी खतरनाक होने वाली है। जिसने लास्ट पार्ट देखा है उसको पता है ये वीडियो बवाल होगी। तो ऐसी बवाल वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एंड आजकल सब्सक्राइबर्स लाइक्स कुछ नहीं आ रहे, तो प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर दो एंड एक लाइक तो कर ही सकते हो यार, लाइक करने में क्या है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार एंड एक कमेंट भी अभी से कर दो। अभिनंदा पागल था उस बच्चे को मारने के लिए। वो पूरे घर में उस बच्चे को ढूंढता है, वो बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता। कहाँ है वो? बड़ा होके आने दो, उसे भी मारूंगा। अंकल आपने गलत किया, आपको नहीं मारना था दोनों को। मुझे नहीं पता मैंने गलत किया था या सही, लेकिन मुझे जीना था और जीने के लिए उसे मारना था। आगे क्या हुआ? आगे मुझे लगा था मैं उसे आसानी से ढूंढ लूंगा। उसे मैंने पूरे परगेट्री पे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। अंत में मुझे लगा कि साला कहीं मर गया होगा, लेकिन वो मरा नहीं था, मेरी मौत के लिए सांसें गिन रहा था। सुनिए, हमारी मदद कीजिए, मेरा पोता बहुत भूखा है, हमें रख लीजिए यहाँ पे। उसके माँ बाप ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। वो आदमी बहुत अच्छा था, उसने बिना कुछ सोचे दोनों को उस गांव में रख दिया और मैंने कभी उस गांव में उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। वो काल वहीं पड़ा हुआ एक दाने के साथ। अनाथ का बच्चा साला। पता नहीं क्यों गांव वालों ने इसको रख रखा है, भगा देना चाहिए साले को। अबे अनाथ के बच्चे। लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुनता रहा। लेकिन एक दिन, अबे अनाथ के बच्चे, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जहाँ भी बॉल मारेंगे तू लेके आएगा, क्या समझा? देखो जो करना है करो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि बॉल लाऊंगा, अपने काम से काम रख। अबे हमारे बाप दादा ने तुझे रहने को दे दिया समझा, वरना तुझे और तेरी उस बुढ़िया को कुत्ता भी ना पूछता, तू बॉल कैसे नहीं लाएगा बे, मैं भी देखता हूँ। सुन दादी है वो मेरी, इज्जत से बोल। अबे जाना तेरी दादी के माँ का। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने जाकर सारी बात अपनी दादी को बताई। कहीं तू सच में अभिनंदा को मारने के लिए तो पैदा नहीं हुआ है ना? अभिनंदा? कौन अभिनंदा दादी? बढ़िया, तेरे बेटे ने मेरे भाई की जान ले ली। मैं दादी को हाथ मत लगा, दादी उठो। वैसे भी उसकी दादी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, गांव वाले के हाथ उठाने के कारण उसकी दादी की वहीं पे मौत हो जाती है। दादी उठो, दादी मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। अबे ओ अनाथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई गांव वालों को हाथ लगाने की, बताऊ मैं? मेरी दादी है वो, मेरे माँ बाप चले गए, इन्होंने पाला।
तुम सब कान खोल के सुन लो, बचपन से सब मेरी यही है, मेरा बाप, मेरी माँ और मेरा भगवान। पता नहीं कैसे थे मेरे माँ बाप, जब पाल ही नहीं सकते थे तो पैदा करके क्यों छोड़ दिया, साले भगोड़े। बेटा वो भगोड़े नहीं थे, मैंने तुझे कभी सच्चाई बताई ही नहीं, आज सुन। उसकी माँ उसे सब कुछ बता देती है कि जिसे वो भगोड़ा समझ रहा है असल में उसने अपनी जान गंवा दी उसके लिए। अगर मेरा जन्म उसे मारने के लिए ही हुआ है तो मैं अपने माँ बाप और आपके जान को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। कौन है वो? अभिनंदा, अभिनंदा नाम है उसका। अभिनंदा, तेरा बाप काल मारने आ रहा है तुझे, कहाँ है रे? Ground boys in the building. Shout out Big Bird. You know what time it is? I'm a ground boy. You know what I'm saying? Abhinanda ke rehte hue, purgatory mein tum bachcho ko uthwa rahe ho. Apne kaam se kaam rakh Abhinanda. Warna humse takraega to phir kaam karne ke layak nahi rahega. Acha. Main ise bachane aaya hu, to bacha ke hi jaunga. अगर लड़ाई ही का मन है तो चल फिर लड़ ले। ये तो बहुत सारे गुंडे हैं, अंदर आग है तो तूने सोचा राख है क्या? अभी नंदा को कोई मार दे, मजाक है क्या? अरे बोला तो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं चाहूं और कर ना पाऊं? ऐ छोड़ दे उसे। अरे भाग कह रहे हैं जी, आप तो हमको काम से काम सिखवाने वाले थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। जाओ एकदम आराम से चिल मारो जाके, तुम्हारी माँ एक ही मदद मांगने। लगता है उस सब पीछा छूट गया, नजर नहीं आ रहा है पीछे। सत्तर लग खतरनाक आदमी रहा था, इस तरह से मार रहा था, अरे सामने देखो सरदार। कौन है बे? चिंता मत करो, मार नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, गुंडा बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। आज के बाद कभी नहीं होगा, जाने दीजिए हमें। अभिनंदा, आ रहा हूँ आज तेरी मौत बनकर, ले लूंगा अपने पूरे परिवार का बदला। मेरे बाप ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने उनकी जान लेकर गलती कर दी। ये काल है बे, भौकाल तो मचाएगा ही, अब से कभी नहीं होगा। याद है? सब करने का, लेकिन मौत को सामने से कभी नहीं पुकारने का। अभिनंदा आ रहा है। आप इतना डरे हुए क्यों हैं? कौन आ रहा है? तुम्हारी मौत, कौन? वो कभी मरा ही नहीं था।
नहीं कर पाया वो अब करूंगा। मारेगा वो तुझे, मेरी बद्दुआ है। अभी नंदा को कोई नहीं मार सकता है। वो ना एक हीरो था ना एक विलेन, वो एक शैतान था। चीते से भी तेज, बिजली से भी चमकदार, और शेर जैसी दहाड़ थी उसकी। आ रहा है वो। सारी तैयारी हो गई है, कोई घुस नहीं सकता, जाके देख लो आप। अब ये दिन आ गया है कि अभिनंदा दूसरों के भरोसे पे जिंदा रहे। शैतान तो पैदा होते रहे, भगवान सिर्फ एक ही रहेगा, अभिनंदा। भगवान होगा अभिनंदा तुम्हारा, भगवान होगा वो बवाल, लेकिन उसे जाके जरूर बताना कि मैं भी चलता हूँ शेर की चाल। दम होगा तो उखाड़ के दिखाए मेरा एक भी पाल। इस बार कोई अहरा गहरा गुंडा नहीं, उसकी मौत हो काल। अभिनंदा चाहता तो तेरी बेहोशी में ही तुझे टपका देता, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि कब आप अपने आंखें खोले और आपको हम मृत्यु दंड दें। मैं खुद में एक पाप हूँ, मैं खुद में एक सांप हूँ, और तू ये लड़ाई जीतेगा ये सोचना छोड़ दे, क्योंकि इन सब में मैं तेरा बाप हूं। अब बताता हूँ, ये मेरे हाथ से गन किधर गया? अले ले 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 ले, घबराओ मत, अभी तो ट्रेलर है, कहीं यही तो गन नहीं था ना। कैसे कर ले रहे हो ये सब? मुझे भी नहीं पता। शायद एक बाप की दुआ है, या फिर उनकी चाहत। चाहत? चाहत तो मेरी भी नहीं थी उसे मारने की। लेकिन मेरी पूरी चाहत है आपको मारने की। क्यों किया ऐसा? हाँ बोलो ना, क्या बिगाड़ा था मेरे बाप बाप ने तुम्हारा? आज मैं भी अपने माँ बाप दादी के साथ खेल रहा होता, खुश होता, लेकिन नहीं, तू जैसे शैतान से लोगों की खुशी कहाँ देखी जाती है। खुशी? खुशी बांटते बांटते मेरी जिंदगी निकल गई, तू क्या जानेगा मेरे बारे में? जानना भी नहीं है। होगा तू लोगों के लिए मसीहा, होगा तू लोगों के लिए भगवान, किए होंगे तूने लोगों को खुश, लेकिन मेरे लिए तू सिर्फ एक कातिल है, वो भी मेरे माँ बाप का। तो इस कातिल को एक और कत्ल मार, तू मरेगा काल। ना मुन्ना, खेल पलटना तुझसे ही सीखा है।
एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। सॉरी मेरी जानी को हर्ट कर देगा, लेकिन मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मजाक है। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। जिस तरह से मेरे माँ बाप को मारा था, अब तेरी बारी है। कैसे भला छूटेंगे कभी तेरी बाहों में बीते हर शाम। बेवफा ये भी क्या याद नहीं। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी ना? बहुत मेहनत लगी थी इस वीडियो के पीछे। चलो नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए जल्दी से जल्दी, 35K लाइक्स का एम है, मतलब 35,000 लाइक्स का एम है। एंड इस बार कोशिश करना 3K कमेंट्स करने का। सब लोग कमेंट करो, दो एम रखा है मैंने, 35,000 लाइक और 3,000 कमेंट्स का, तो प्लीज़ कंप्लीट कराओ। एंड भाई जब जानते हो इतना मेहनत करता हूँ फिर भी वीडियो देख के छोड़ देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, भाई आपको नहीं लगता थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए भाई? इतना मेहनत कर कोई बंदा कर रहा है तो जो भी नहीं गई हो यार सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे तो यार आप लोग आते ही नहीं हो, बोल बोल के थक जाता हूँ। यहाँ आप लोग सोचते हो नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, सारा चीज़ मैं इंस्टाग्राम पे बता देता हूँ। देखो आज भी जाकर बताया था मैंने, और अभी तुरंत बहुत सारे अपडेट्स भी दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट लिंक पे क्लिक करो एंड जाके जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, बहुत काम काम की चीज़ें बताता हूँ, जल्दी जाओ यार।